बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफत जहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफत जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज़ टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। याद करें, मैंने आपको कहा था कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। अदर वन इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन की भी बात करें तो इसके भी आगे फर्दर टू फेजेज हैं। नंबर वन, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, अदर वन इज़ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इस वाली लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो तक हमने नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को डिटेल से डिस्कस किया। आज की लेक्चर में हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करना है, दैट इज़ साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। आइडिया हो गया, पूरे का पूरा स्केच क्लियर हो गया, मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मेन स्लाइड, जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा, बहुत ही आसान है आज का टॉपिक। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ इससे पहले वाले टॉपिक से, तो उससे ये टॉपिक ज़रा आसान है। वो इसलिए कि अगर आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला टॉपिक इस चैनल के थ्रू पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको ये टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जिन्होंने वो टॉपिक नहीं लिया हुआ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझने से पहले आप लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला जो लेक्चर है वो लाजमी आप लोग उसको एक बार स्टडी करें, फिर आप इस टॉपिक को समझिएगा। ठीक हो गया। चलें जी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, आ जाएं ये स्केच देख लें, अब आपको सारे का सारा समझ आ जाएगा कि इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में जो हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को डिस्कस किया, ये भी तकरीबन वैसा ही है, लेकिन इसका पाथवे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिवाइज़ करवा दूँ, फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको ये दोनों टॉपिक रिलेट भी करवाऊंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, याद करें, जब मैंने आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट रेज आती हैं, ठीक है, फोटो सिस्टम टू पर पड़ती हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, उसके बाद ये जाते थे पी क्यू, जो कि प्लास्टोक्यूनिन था, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सेकेंड पार्ट, जो कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, वहाँ तक आते थे, फिर उसके बाद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डाउन जाते थे नीचे पी सी के पास, जो कि है प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाते थे फोटो सिस्टम वन के पास। फोटो सिस्टम वन जो है, इस पर भी लाइट रेज जो हैं वो आती हैं। फोटो सिस्टम्स के अंदर मौजूद जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो भी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या होता था कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स आए वो मज़ीद एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होने के बाद ये हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर तक, और ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये फोटो सिस्टम वन का है। ठीक है, तो ये हमने कहा था यहाँ तक तो जी स्कीम है। उसके बाद ये जाता था एफ डी, एफ डी के बाद बात करें तो एफ डी है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन के बाद ये जाता था एन ए डी पी रिडक्टेज के पास। ये बेसिकली एंजाइम था जो कि एन ए डी पी को कन्वर्ट करता था एन ए डी पी एच। तो एन ए डी पी एच आप कह सकते हैं कि ये जो है ये बहुत ज़रूरी होता है आगे डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, क्योंकि ये जो है ना ये एक बहुत हाईली, हमने कहा था, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये अपने अंदर रिड्यूसिंग पावर रखता है, जो कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। समझ आ गई। तो हमें इसके रिजल्टेंट में तीन प्रोडक्ट्स मिलते थे, ऑक्सीजन, ए टी पी और एन ए डी पी एच। समझ आ गई। नॉन साइक्लिक सारा मैंने आपके साथ रिवाइज करवा दिया, अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक कैसे होते हैं। अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो ये यहाँ रेड से लेके ये जो रेड पैटर्न है इसको फॉलो करते हुए यहाँ तक जाता था नॉन साइक्लिक। लेकिन अगर हम साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो बेसिकली यहाँ से जाके फोटो सिस्टम वन से जाके दोबारा वापस आता है यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो आप रेड पैटर्न देख सकते हैं ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शो की हुई है। इसका मतलब अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम टू इन्वॉल्व नहीं है।
है, क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से लेके फोटोसिस्टम वन तक, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर एफडी, और फिर दोबारा यहाँ कॉम्प्लेक्स तक आना, ये एक साइकिल बना रहा है। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है। अच्छा, मैं आपको ये साइकिल जरा रिपीट करवा दूँगी, ये होता कहाँ, ये कहाँ कहाँ से प्रोसीड करता है, किन किन स्ट्रक्चर से होके इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव ऑन होते हैं साइक्लिक में, ठीक है। नॉन साइक्लिक में तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, साइक्लिक की बात करें ना, तो साइक्लिक में साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से हाईली एनर्जी वाले, हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो आएंगे यहाँ पीसी तक। और जो पीसी है, ये बेसिकली हमने आपको पता है कि ये प्लास्टोसाइनिन है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन के बाद तो ये जाएंगे फोटोसिस्टम वन के पास। तो जब फोटोसिस्टम वन के पास हाईली इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद यहाँ भी आपको पता है कि फोटोसिस्टम्स में मौजूद जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, उन्होंने भी मज़ीद लाइट को एब्जॉर्ब करना है। उसके बाद ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मज़ीद एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये चले जाएंगे इस स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो है, ये बेसिकली आपको पता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद नॉर्मली तो हमने देखा था कि नॉन साइक्लिक में यहाँ आ जाती है, ठीक है, इस साइड पर। लेकिन इस केस में यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद यहाँ अंदर की तरफ आते हैं, और अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो एफडी है, मतलब ये फेरिडॉक्सिन के पास आता है, ठीक है। फेरिडॉक्सिन के पास आने के बाद ये आता है इधर वापस, वो है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं नीचे, और यहाँ से हमें जो मिलता है प्रोडक्ट वो एटीपी है। अब यहाँ ये समझें कि बेसिकली अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें, ठीक है, और या हम साइक्लिक की बात करें, ये दोनों बेसिकली है लाइट रिएक्शन, लेकिन थोड़ा इनका पाथवे डिफरेंट है। अच्छा, अब आप समझो कि क्यों साइक्लिक की ज़रूरत पड़ी, अगर नॉन साइक्लिक में हमें सारी की सारी चीज़ें मिल रही थी, हमें हमारे तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, ऑक्सीजन भी, एटीपी भी और एनएडीपीएच2 भी, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम साइक्लिक करें, और कब ये जो है सिचुएशन आती है साइक्लिक में। तो आप ये समझें कि जब, ठीक है, जब NADPH2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है, और अगर ATP की अमाउंट कम हो जाए, तब जो है वो नॉन साइक्लिक से कन्वर्ट हो जाती है सिचुएशन इनटू साइक्लिक। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करो तो ध्यान से देखो, तो यहाँ तक हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है जो कि है ATP। यहाँ देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ से मिली थी, वो तो फोटोसिस्टम 2 रिलीज कर रहा था, और साइक्लिक में तो इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम साइक्लिक के प्रोडक्ट्स की बात करें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट में ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये पाथवे हमने फॉलो ही नहीं किया। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाओ इधर। अगर नॉर्मली नॉन साइक्लिक में आपको पता है कि हम यहाँ तक आते थे, तो हमें यहाँ एक प्रोडक्ट मिलता था NADP रिडक्टेज की हेल्प से, वो था NADPH2। अब आपको पता है कि साइक्लिक वाला पैटर्न यहाँ तक आया ही नहीं, इसका मतलब हमें ये प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। तो साइक्लिक में हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज ATP। इसका मतलब कि जब भी ATP की अमाउंट कम होगी, तब जो है वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ चीज़ें जो है वो स्विच होंगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ आप देखो तो साइक्लिक में सिर्फ हमें एक प्रोडक्ट मिला, दैट इज़ ATP, ठीक है। और ATP आपको पता है कि ये स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। ATP की फॉर्मेशन को हम कीमियो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। हम कीमियो ऑस्मोसिस की सारी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी मैंने आपको पैटर्न बताया, जितनी भी मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की, जितने प्रोडक्ट्स की डिटेल शेयर की, पैटर्न बताया मैंने, यही सारी की सारी बातें अब हमने थ्योरेटिकली देखना है कि थ्योरी कैसे है इसकी। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको वर्बल बताए वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, तो कहते हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशन होता यह है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अल्टरनेटिव पाथवे चूज़ कर लेते हैं, मतलब कि ये पाथवे को तब्दील कर लेते हैं, अल्टरनेटिव का मतलब तब्दील कर लेते हैं। अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि नॉर्मली नॉन साइक्लिक में तो इस तरह का पैटर्न होता है, लेकिन अगर हम साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में अल्टरनेट हो जाता है, पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। ये देखें ना, ये रेड एरो इधर आ रहा है, हालांकि नॉर्मली अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें, ब्लू एरो ने फॉलो करना था, लेकिन रेड ने यहाँ, इसका मतलब एक अल्टरनेटिव पाथवे हमें देखने को मिलता है साइक्लिक में, ठीक है। और कहते हैं कि इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, बट नॉट फोटोसिस्टम 2। अगर हम साइक्लिक की बात करें, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता। आज मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाती हूँ, अगर आप ये दो पिक्चर को ध्यान से देखो, तो नॉन साइक्लिक में हमने कहा था फोटोसिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन प्रोडक्ट मिल रही थी।
फोटो सिस्टम वन भी इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में सिर्फ हमें फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। समझ आ गई? अब आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट कहेंगे कि होता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ स्विच करने की। तो होता यह है कि अगर क्लोरोप्लास्ट में, अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है स्पेसिफिकली, और क्लोरोप्लास्ट में इसलिए हो रही होती है क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद है स्पेसिफिकली क्लोरोफिल, जो कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो कहते हैं कि ये कंडीशन तब होती है जब क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की अमाउंट कम होती है। जब हमें एटीपी की जरूरत महसूस होती है तब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर कैल्विन साइकिल, अब आपको पता है लाइट रिएक्शन के बाद आगे जो रिएक्शन होना है वो डार्क रिएक्शन है। तो कहते हैं कि अगर डार्क रिएक्शन के लिए एटीपी की अमाउंट कम पड़ रही हो और अगर एनएडीपीएच2 की अमाउंट ज़्यादा हो रही हो तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ स्विच करते हैं, ठीक है। ये टू लिखा हुआ है, ठीक है, नॉन साइक्लिक से फिर हम साइक्लिक की तरफ स्विच करते हैं। कंडीशन समझ आ गई कि जब क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की अमाउंट कम, ठीक है, और NADPH2 की अमाउंट ज़्यादा हो फॉर केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, तब हम फिर स्विच करते हैं साइक्लिक की तरफ आते हैं, ताकि जो अमाउंट कम है ATP की हम उसको बढ़ा दें और जो NADPH2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा है उसको हम स्टॉप कर दें, क्योंकि हमें इतनी ही चाहिए डार्क रिएक्शन के लिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा अमाउंट हमने करनी क्या है, ठीक है। ये सारे का सारा आपको पैटर्न भी समझ आ गया, थ्योरेटिकली भी देख लिया। अब लास्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, वो कहते हैं कि अब टेम्प्रेरी ना हम फिर ये NADPH2 की अमाउंट को कम करने के लिए हम टेम्प्रेरी करते हैं कि हम स्विच करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्विच करती हैं, ये शिफ्ट होती हैं, टेम्प्रेरी शिफ्ट होता है नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। जैसे ही नॉन साइक्लिक हो रहा था, नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉन साइक्लिक हो रहा था, लेकिन जैसे ही क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की अमाउंट हमें कम और एनएडीपीएच की अमाउंट हमें ज़्यादा महसूस हुई, हमने क्या किया, हमने साइक्लिक की तरफ स्विच कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक की तरफ स्विच करेंगे तो एटीपी की अमाउंट जो है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी। समझ आ गई? इससे क्या होगा कि हम जो है वो एटीपी की जितनी डिमांड होगी फॉर द डार्क रिएक्शन उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर हम साइक्लिक की बात करें तो ये जो साइक्लिक फ्लो है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कम टाइम के लिए होता है, ये शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब कि ये सिर्फ तब होगा जितनी, अगर के हम कहेंगे कि एटीपी की अमाउंट पूरी हो जाएगी तब ये फिर नॉर्मली नॉन साइक्लिक की तरफ भी स्विच कर लेगा, ठीक है। तो मतलब कि उतनी अमाउंट जितनी हमें एटीपी की चाहिए, ठीक है, वो अमाउंट लेने तक हम थोड़ी बहुत ये चेंजेस कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये फिर यहाँ तक स्विच भी हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम साइक्लिक फ्लो की बात करें तो वो शॉर्ट सर्किट है, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन साइकिल है ना, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हमने देखा था, वो टेम्प्रेरी होता ये है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, वहाँ से फिर वापस मुड़ जाएगा। कहाँ वापस मुड़ेगा? एफ डी की तरफ। एफ डी की बात करें तो ये फेरिडॉक्सिन है, ठीक है। तो फेरिडॉक्सिन से फिर वो ये पैटर्न बता रहे हैं, ये पाथवे बता रहे हैं, ठीक है। फेरिडॉक्सिन से फिर वापस आएगा साइटोक्रोम टू, और किस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, ये हम बात करें फोटोसिस्टम वन, क्योंकि फोटोसिस्टम वन के पास जो क्लोरोफिल मौजूद है वो P700 था, जो कि 700 की नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएं आप पिक्चर की तरफ, पिक्चर को देखें। हमने कहा कि होता ये है कि ये जो फोटोसिस्टम वन के पास यही क्लोरोफिल है ना P700 का, तो यहाँ जो क्लोरोफिल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, वहाँ से फिर वो कह रहे हैं एफ डी तक आएंगे, एफ डी कहते हैं फेरिडॉक्सिन, वहाँ से फिर आया साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक पाथवे होता है जो कि फिर साइक्लिक में हमें देखने को मिलता है। अब ये होता ये है कि हम कहते हैं कि ये हमें सारी की सारी ज़रूरत जो एटीपी की सप्लाई है उसको पूरी करने के लिए, क्योंकि साइक्लिक के रिजल्टेंट में हमें सिर्फ एटीपी की प्रोडक्ट मिलती है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करें तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि उसमें हमें ना तो NADPH2 की हमें रिजल्ट में प्रोडक्शन होती हुई नज़र आती है, ना ही हमें ऑक्सीजन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें तो ज़रूरत है ATP की, तभी तो हम साइक्लिक की तरफ स्विच किए। अब ये कीमियोस में से सिंपली यही है कि ATP की प्रोडक्शन, ठीक है, ATP की सिंथेसिस जो है उसको कीमियोसमोसिस बोलते हैं। अब इसकी डिटेल, इसका मैकेनिज्म जो है वो इंशाल्लाह इससे बाद जो मैं लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगी वहाँ मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूँगी। यहाँ तक हमने सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपने सारे का सारा पैटर्न भी समझ लिया होगा, और ये हमने आज के लेक्चर वीडियो में बेसिकली कंपैरिजन भी देख लिया नॉन साइक्लिक का साइक्लिक से। तो अब आपको एक तो नॉन साइक्लिक भी दोबारा रिवाइज हो गया, दूसरा साइक्लिक पैटर्न भी आपको समझ आ गया, ठीक है। आपने सारे के सारे इसके जो अंडर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी देख लिया, जो सिर्फ हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रही है वो भी देख लिया, जो प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल रही वो क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ तक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं देखा जाता साइक्लिक में, ठीक है, वो हमने रीजन भी डिस्कस कर ली, सारा हमने थ्योरेटिकली भी देख लिया।
और डायग्रामेटिकली भी देख लिया। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम कीमियो ऑस्मोसिस और मैकेनिज्म ऑफ कीमियो ऑस्मोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।